अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी चिकन। तो उसको बनाने के लिए हमें जो चाहिए पहले हम उसको देखते हैं। यहाँ हमने लिया है 1 किलो चिकन, 1 कप दूध, कसूरी मेथी इसको हमने रोस्ट कर लिया है, 1 नींबू का रस, दही, क्रीम, चाट मसाला, काली मिर्च, हरी धनिया, 2 मीडियम साइज की प्याज, हरी मिर्च हमने लिए 6 से 7, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 2 चम्मच लिया है। तो चलिए हम इसको पहले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा। चिकन आप जब भी धोइए उसको थोड़ी देर बिल्कुल रख दीजिए, जब पानी उसका सूख जाए उसके बाद ही आप इसको मैरिनेशन में करिए। ये पीसेस आप जो देख रहे हैं इसमें हम कट लगाएंगे इस तरह। जितने भी बड़े पीसेस हैं उसमें सब में आप ऐसे कट लगा लीजिए। बाकी हमने लगा दिया पहले से। तो हम इसमें लेंगे 1 नींबू, 1/4 इसमें लेंगे नमक, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। अब हम प्याज हरी मिर्च हरी धनिया इसका पेस्ट तैयार करेंगे। पहले हम इसका पेस्ट तैयार कर रहे हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। आधा घंटा हो गया है, अब हम इसमें थोड़े मसाले मिलाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, चाट मसाला, क्रीम, दही। दूध लेंगे, कसूरी मेथी, साथ ही इसमें मिलाएंगे हमने जो ये हरी धनिया, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बनाया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
या हमने तेल रख दिया गरम होने के लिए, तेल अच्छा गरम हो जाए। और यहाँ पे जो चिकन है हमें प्लेट में निकालना है ऐसे। सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे पहले बाहर। अब हम इसको तेल में डालेंगे। हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी धीमा नहीं करना है, तेज ही फ्लेम में हमें इसको फ्राई करना है। चिकन हमने सब फ्राई कर लिया है। अब ये जिसमें हमने चिकन अपना फ्राई किया था उसी तेल में हम लौंग इलायची लेंगे और उसमें हम ग्रेवी डालेंगे। जो मैरिनेट किया था वो ग्रेवी बची है, हम उसको मिलाएंगे इसमें। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमने भूनने पर रख दिया है और सॉरी हमें माफ़ करिएगा क्योंकि हमने जब आपको सामान बताया तो उसमें हम गरम मसाला बताना भूल गए थे। तो हम इसमें गरम मसाला लेंगे आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। आप चिकन जब मैरिनेट करिए तो आप मैरिनेट में ही गरम मसाला मिला दीजिएगा, हम भूल गए थे तो हमने ग्रेवी में मिलाया। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। मसाला हमारा अच्छा से भून गया है, तेल देखिए ना ऊपर। अब इसी में हम चिकन मिलाएंगे। सिर्फ 4 से 5 मिनट ढक के पकाएंगे फिर हम गैस बंद कर देंगे। 5 मिनट हो गए पकते हुए, हम इसको साइड में करेंगे।
अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए चारकोल को गरम करेंगे। चारकोल रखेंगे, उसमें दो लौंग डालेंगे, थोड़ा सा तेल, घी लगा देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा अफगानी चिकन। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।